कौन है तेरे मिनाटी जो टिकटॉक वालों को रोस्ट कर रहा है? खबरदार, मेरी बेटी को रोस्ट किया है तो। खबरदार, मेरी बेटी को रोस्ट किया है तो तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन कर दूंगी। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। इनको क्रिंज बोल रहे हो तो आपका कंटे तो क्रिंज इंटू 100 हो गया, क्रिंज इंटू 100 हो गया। तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं 12वीं फेल हूँ और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक है? और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। ओए सुन, मैंने सुना है कि कैरी मिनाटी ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई है। हाँ बनाई तो है। क्यों इतनी खुश हो रही है? मतलब कैरी मिनाटी टिकटॉक देखता है, फिर तो उसने मुझे भी देखा होगा। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। ये कौन सी जिंदगी है मुझे नहीं पता। आंटी तेरा साबुन स्लो नहीं, कतई मर चुका है। कैरी से नहीं डरना, चलो टिकटॉक बनाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जिंदगी में जितना मर्जी इंस्टाग्राम चलाओ ना, मगर कभी महंगे कपड़े पहन के हैशटैग स्कर्ट नहीं लिखा कैप्शन में। कैरी मिनाटी अभी तक टिकटॉक पे सही से आया भी नहीं है, बट टिकटॉक इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। एवरी वीडियो आई 200 रुपए में मिठाई की दुकान। सबको पता है कि हर जगह यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मैटर चल रहा है, तो मैं भी इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि बेटा कुछ मत कहो। तो कैरी मिनाटी एक बार लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो एक बंदे ने उससे बोला कि कैरी भाई देखो, सारे टिकटॉकर्स बुरे नहीं होते, कुछ कुछ टिकटॉकर्स बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं। तो इस पे कैरी मिनाटी ने बोला था, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, बहुत सारे टिकटॉकर्स बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, ये एक दो टिकटॉकर्स के चक्कर में ना सारे टिकटॉकर्स बदनाम होते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? यार एक यूट्यूबर ने पूरे टिकटॉक को ना हिला डाला है यार, लोग कहीं जा रहे कि यार यूट्यूब पे कैरी ने तो बोल लिया मगर टिकटॉक पे गैरी ने नहीं बोला। यार मैं ये नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है, मुझे मतलब भी नहीं है और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा काम है मोटिवेट करना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, शायरी बनाना और स्लो मोशन बनाने, वैसे उनका काम है रोस्ट करना। अगर आप बेफालतू में किसी को उंगली करोगे तो यार आगे से गाली खाओगे यार। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. मुझे तो आज पता चला कि टिकटॉक पर फेमस होने के लिए बस इन 3 बातों की जरूरत है, शाकालाका बूम बूम वाले हेयर स्टाइल की, हैशटैग स्कर्ट यूज करने की और 6 साल मॉस्को में बर्बाद करने की। क्या हुआ भाई? कैरी मिनाटी ने कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा? टिकटॉक की बेटी आज यूट्यूब वालों से लड़के आई है। टिकटॉक की बेटी आज यूट्यूब वालों से लड़के आई है। अबे तुम आंगनवाड़ी जाओ, हमारी बेटी मॉस्को से पढ़ के आई है। कैरी मिनाटी की वीडियो देखी, मैं किसी को रोस्ट तो नहीं करूंगा लेकिन हैशटैग स्कर्ट या नक्कल में भी अक्कल चाहिए यार, हर चीज कॉपी पेस्ट नहीं होती, लड़कियों से कॉपी पेस्ट नहीं करते तुम चीजें। 6 साल मॉस्को क्या किया? ओए सुन, मैंने सुना है कि कैरी मिनाटी ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई है। हाँ बनाई तो है। क्यों इतनी खुश हो रही है? मतलब कैरी मिनाटी टिकटॉक देखता है, फिर तो उसने मुझे भी देखा होगा। तो कैसे हैं आप लोग? भैया कैरी मिनाटी बन चुके हैं इंडिया के पहले इंडिविजुअल क्रिएटर जिसने 6.5 मिलियन छक्कों को एक ही वीडियो में ठोक डाला है। तो भाई यूट्यूबर से टिकटॉक का ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। सब लोग कैरी मिनाटी कर रहे हो, नहीं किसी में 1% भी इंसानियत है?
किसी ने एक बार भी जाके पूछा कि आमिर भाई क्या हालचाल है?